आरती, मैंने फैसला कर लिया है, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। मुझे तुम्हारे जैसा ही जीवन साथी अपनी जिंदगी में चाहिए और तुम पूरी तरह से मेरे काबिल हो। पर सार्थक, मैं बचपन से ही एक अनाथ आश्रम में पली बड़ी हूँ। आपके माँ और पिताजी मुझ गरीब अनाथ लड़की को अपने घर की बहू कभी नहीं बनाएंगे। आरती, इस बात की चिंता तुम मत करो, मैं आज ही माँ बाबूजी से हमारी शादी की बात करूँगा। सार्थक और आरती एक दूसरे को पिछले 2 साल से जानते थे। आरती एक सीधी सादी और समझदार लड़की थी। बचपन में ही माता पिता के गुजरने के बाद आरती अनाथ आश्रम में आ गई थी। सार्थक आरती से शादी करना चाहता था, इसलिए वो आज घर जाकर इस बारे में बात करना चाहता था। पर क्या तू एक अनाथ लड़की से शादी करेगा? मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा। इसका तो दिमाग खराब हो गया है, हमारी समाज में नाक कटवा कर रहेगा। सार्थक, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम एक अनाथ और गरीब लड़की को हमारे घर की बहू बनाओगे? इसका तो दिमाग खराब हो गया है, हमारी समाज में नाक कटवा कर रहेगा ये लड़का। तो क्या हुआ माँ, आरती एक अनाथ आश्रम में पली बढ़ी है, तो आप उससे एक बार मिलकर तो देखो, वो बहुत अच्छी है। और जहां तक शादी का सवाल है, मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ आरती से करूंगा, मैं उसे वचन दे चुका हूँ। और मैंने तेरे लिए जो मिस्टर शर्मा की लड़की के लिए बात की थी, 5 करोड़ रुपए कैश दे रहे हैं वो दहेज में, और एक फार्म हाउस भी देने के लिए तैयार है। तू इस गरीब को बहू बनाकर हमारे सारे सपने को चूर चूर कर देना चाहता है। सार्थक चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। तभी शारदा, तुम जानती हो आजकल के बच्चे गर्म खून होते हैं, अगर हमने शादी के लिए मना करा तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा बेटा घर छोड़कर चला जाए। अभी भलाई इसी में है कि हम सार्थक को इस शादी के लिए हाँ कर दें। बाद में मुझे पता है कि हमें उस आरती नाम की बीमारी का इलाज कैसे ढूंढना है। दीनदयाल के कहने पर शारदा सार्थक और आरती की शादी के लिए हाँ कर देती है। शादी के बाद आरती बहू बनकर घर आ जाती है। दीनदयाल और शारदा आरती के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, ये देखकर आरती बहुत खुश थी। आरती बहू, अब हम दोनों ने खा लिया है, तुम और सार्थक बैठकर खाओ, मैं गरम गरम रोटी सेक कर लाती हूँ। माँ जी, मैंने कभी अपने माँ बाबा को नहीं देखा, पर आज आपका और बाबूजी का प्यार मुझे अनाथ को मिल गया, मेरे जीवन में माता पिता की कमी पूरी हो गई। आरती बहू, ये लो, तुम्हारे लिए सोहन हलवाई से रबड़ी जलेबी लाया था, और आज के बाद अपने आप को कभी भी अनाथ मत कहना। माँ बाबूजी सारा प्यार बहू पर ही लुटा दोगे या बेटे को भी कोई पूछेगा? वैसे आप सबको एक खुशखबरी देनी है, मेरा प्रमोशन हो गया है, मुझे ऑफिस के काम से 10 दिन के लिए मुंबई जाना है। मैं सोच रहा था अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आरती को भी साथ ले जाता। ये भी कोई पूछने की बात है बेटा? आरती को बिल्कुल जाना चाहिए, ये भी तुम्हारे साथ मुंबई घूम आएगी। तो ठीक है आरती, तुम पैकिंग कर लेना, हम परसों सुबह मुंबई के लिए निकलेंगे। आरती बहुत खुश थी क्योंकि वो अपने जीवन में पहली बार कहीं घूमने जा रही थी। अनाथ आश्रम में न जाने उसका बचपन कब बीता और कब वो बड़ी हो गई, उसे पता ही नहीं चला। सार्थक से शादी करके उसे मानो जीवन की सारी खुशियां मिल गई थी, पर आरती इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसकी ये खुशियां बहुत जल्द ही आंसुओं में बदलने वाली हैं। अगले दिन क्या हुआ पिताजी, आपने अचानक मुझे फोन करके क्यों बुलाया? माँ तुम ठीक तो हो? सार्थक बेटा, मैं अब ठीक हूँ। तुम दोनों ने सुबह मुंबई भी निकलना है, बहू तुम जाकर तैयारी कर लो। माँ जी, आपको ऐसे अकेले छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी, और फिर घूमना तो हमारा कभी भी हो सकता है, अभी मेरा आपके पास रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो मेरा भी मन नहीं लगेगा। माँ आरती सही कह रही है, ऐसे तुम्हें अकेला छोड़कर हम दोनों चले जाएंगे, और पीछे से कोई परेशानी हुई तो? आरती ठीक कह रही है, हम फिर कभी एक साथ चले जाएंगे, कल मेरा जाना जरूरी है इसलिए मैं कल सुबह ही अकेले निकल जाऊंगा। आरती तुम मेरे पीछे से माँ और बाबूजी दोनों का ख्याल रखना। अगले दिन सार्थक मुंबई के लिए निकल जाता है, पर उसके जाते ही शारदा और दीनदयाल अपने असली रूप में आ जाते हैं। माँ जी, आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है, आप उठ क्यों गए? वो तो हम नाटक कर रहे थे ताकि तू सार्थक के साथ मुंबई ना जा सके, और हम तुझे जान से मारकर अपने सार्थक की एक अमीर घर में शादी करवा सके। तू क्या समझती है, तू जैसी अनाथ लड़की को हम अपनी बहू मान लेंगे? कभी नहीं, तू अब जिंदा नहीं बचेगी। शारदा,
तुमने इसके खाने में नींद की दवाई मिला दी थी ना? वो कैसे भूल सकती हूँ जी? माँ जी, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। माँ जी, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दीजिए। जल्दी से इसके हाथ पैर बांध दो, गोलियों का नशा कम हो इससे पहले ही इसे पुल से नीचे फेंक देते हैं। दीनदयाल शारदा के साथ बेहोश आरती को गाड़ी में डालकर ले जाता है। दोनों मिलकर बेहोश आरती को पुल से नीचे फेंक देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, जब सार्थक वापस आता है। पर माँ, मुझे पूरा विश्वास है, आरती मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ नहीं जा सकती। सार्थक बेटा, आरती घर में रखा कैश और जेवर लेकर भागी है। तुम्हारी माँ ने उसे पहनने के लिए अपने कीमती जेवर दिए थे, वो भी गायब है। हम चाहते तो पुलिस को ये खबर दे सकते थे, पर इसमें हमारे घर की ही बदनामी है, इसलिए हमने चुप रहना ही ठीक समझा। सार्थक को यकीन नहीं हो रहा था कि आरती उसके साथ ऐसा कर सकती है। धीरे धीरे वक्त ने 5 साल आगे की करवट ले ली। 5 साल बाद, सार्थक, मैंने तुम्हें कितनी लड़कियों के फोटो दिखाए, तुम किसी के लिए तो हाँ कहो। 5 साल हो गए हैं आरती को तुम्हें छोड़कर गए, अब तो तुम शादी के लिए हाँ कह दो। सुमेर भाई साहब अपनी बेटी कंचन के लिए कई बार तुम्हारा रिश्ता मांग चुके हैं। कंचन थोड़ी देर में आती ही होगी, वो कई दिनों से तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने के लिए कह रही है। एक बार उसके साथ चले जाते तो उसे भी अच्छा लगता। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी। हाय सार्थक, कैसे हो? अरे तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, तुम्हें आज मेरे साथ शॉपिंग पर चलना है ना? तुम बैठो, मैं अभी तैयार होकर आया। कंचन सार्थक को जबरदस्ती अपने साथ शॉपिंग पर ले जाती है। बस एक बार सार्थक और कंचन की शादी हो जाए तो हम माला माल हो जाएंगे। ओहो, आज कितना ट्रैफिक है, भीड़ तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ड्राइवर, इतना ट्रैफिक क्यों जाम है? मैम साहब, कोई जुलूस निकल रहा है इसलिए भीड़ है। भीड़ के बीच सार्थक की नजर एक अंधी औरत पर पड़ती है जो एक छोटी बच्ची का हाथ पकड़कर चल रही थी। ये तो मेरी आरती है। अरे सार्थक रुको, ध्यान से, आगे ट्रैफिक है। वो सामने वाली गली में। हाँ, वो आरती, रुको। सार्थक दौड़ता हुआ आरती के पास पहुँचता है। माँ, वो अंकल तुम्हें आवाज लगा रहे हैं। आरती तुम कहाँ थी? तुम्हारी ये हालत में मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अंकल, आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? ये तो सार्थक की आवाज है। सार्थक आप? पिंकी, ये अंकल तुम्हारे पापा हैं। पिंकी मेरी बेटी है। आरती, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे पूरी बात बताओ, और ये भी बताओ कि तुम्हारी आंखों की रोशनी कैसे चली गई, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? सार्थक बेटा, तुम्हारे माता पिता ने आरती के साथ बहुत बुरा किया। वो तो ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि उस रात जब तुम्हारे माता पिता ने बेहोशी की हालत में आरती बेटी को पुल से नीचे धक्का दिया था, तो हम सब मछुआरे उसी नदी के किनारे पर थे। पर अफसोस, आरती के सिर पर एक पत्थर लगने से गहरी चोट आई थी, जिसकी वजह से इसकी आंखों की रोशनी चली गई। आरती सार्थक को अपना सारा दुख बताती है, जिसे सुनकर सार्थक बहुत गुस्से में आ जाता है। तुम चिंता मत करो आरती, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं तुम्हारा और अपनी बच्ची का पूरा ध्यान रखूंगा। पापा, आपको पता है, बिट्टू, शालू, सोनी सब मुझे चिढ़ाते थे कि मेरे पापा नहीं है तो मेरे लिए खिलौने कौन लाएगा, पर माँ कहती थी कि एक दिन आप जरूर आओगे। और जब वो आरती और अपनी बेटी को लेकर घर पहुँचता है तो दीनदयाल और शारदा दोनों आरती को जिंदा देखकर घबरा जाते हैं। माँ बाबूजी, आरती को जिंदा देखकर हैरान होना, मुझे सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मुझे अब इस घर में नहीं रहना, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूंगा, पर मैं अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर यहां से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। कंचन, मुझे माफ कर देना अगर मेरी वजह से तुम्हें जरा से भी ठेस पहुंची हो तो। सार्थक, मैं खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार वापस मिल गया। शारदा और दीनदयाल जानते थे कि उनकी गलती माफी के काबिल नहीं है। सार्थक अपनी पत्नी आरती और बेटी पिंकी को लेकर हमेशा के लिए अलग रहने चला जाता है। और कुछ दिनों बाद आरती की आंखों का ऑपरेशन होता है और उसकी आंखों की रोशनी फिर से वापस आ जाती है। सार्थक और आरती अपनी बेटी पिंकी के साथ अपनी नई दुनिया में खुशी खुशी रहने लगते हैं।